हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। कैसे हो आप सब दोस्तों? आज हम बात करने जा रहे हैं Xiaomi Note 5 के बारे में, जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है। तो Xiaomi Note 5 के बारे में और जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो टेक्निकल वर्ल्ड टॉक्स। तो चलिए दोस्तों, इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि जो Xiaomi का Note 5 है, ये लॉन्च हो चुका है चाइना में, जो कि आपको मिल जाएगा MI.com या JD.com पर। दोस्तों, जितना मैंने देखा है Xiaomi Note 5 के बारे में, इसकी जो तस्वीरें बताती हैं, इससे पता चलता है कि ये Xiaomi Note 4 की ही तरह है। ये Xiaomi Note 4 की तरह दिखता है, इसका लुक ज़रा कुछ अलग नहीं है। तो अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, चलिए मैं आपको इसके फीचर्स बता दूँ, जिससे आपको पता चलेगा आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें इसके फीचर्स की, तो ये लॉन्च होंगे दो एडिशंस में, जो होगा एक स्टैंडर्ड और होगा एक हाई। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड एडिशन की, तो स्टैंडर्ड एडिशन में आपको मिलेगा 2GB रैम और 16GB इंटरनल मेमोरी, जो कि चलेगा 435 ऑक्टोकोर प्रोसेसर के ऊपर, जो कि बेस होगा नोवा पर, जो MI Note 4 के अंदर। और इसके साथ इसमें होगी एक्सपेंडेबल मेमोरी और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो MIUI 9 होगा, जो कि बेस होगा नोवा पर। और जहाँ तक बात करें इसके कैमरास की, तो दोस्तों आपको मिलेंगे 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और फ्रंट जो होगा वो होगा आपका 5 मेगापिक्सल का। इसके साथ ही आपको मिलती है इसमें बैटरी 3790 mAh। चलिए अब बात करते हैं इसके हायर एडिशन की, और जहाँ तक बात है इसके हायर एडिशन की, आपको हायर एडिशन में मिलेंगे दो वेरिएंट, जिसमें होगा 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी, और 4GB रैम के साथ आपको मिलेगी 64GB की इंटरनल मेमोरी। और हाँ दोस्तों, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दिया होगा अलग से, जो कि होगा इसके बैक साइड पर। तो दोस्तों, जहाँ तक बात करें इसके प्रोसेसर की, वो होगा Snapdragon 3030, जो कि चलेगा 64 बिट पर, जो कि होगा ऑक्टोकोर 64 बिट पर चलने के लिए। और अगर हम बात करें इसके कैमरास की, तो इसमें आपको मिलते हैं 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि ऑफकोर्स आपको एक बहुत ही अच्छी सेल्फी का एक्सपीरियंस देगा, जो कि चलेगा f2.0 अपर्चर पर, जिससे आपको मिलेगी एक बेहतर सेल्फी एक्सपीरियंस। और अगर बात करें इसके रियर कैमरा की, तो वो है 13 मेगापिक्सल का। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इसके कैमरास के बारे में क्या कहना है, आप कौन सा वर्जन लेने वाले हो, कौन सा एडिशन लेने वाले हो, स्टैंडर्ड या हायर, और हायर में कौन सा 3GB 4GB। और मैं जानता हूँ आप में से कई लोग बेहतर होंगे इसकी प्राइस जानने के लिए, तो चलिए बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर मैं इसकी प्राइस की, तो उसमें जो 2GB रैम वाला फ़ोन है, उसकी प्राइस होगी 699 CNY, यानी कि चाइनीज योन, जो कि है लगभग 6700 Indian rupees। और अगर बात करें इसके 3GB रैम वाले फ़ोन की, 899 CNY, जो कि होगा लगभग 8600 Indian rupees। और लास्ट में बात करें इसके 4GB रैम वाले फ़ोन की, तो वो आपको मिलेगा 1199 CNY, जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर बात करें 11500। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके फीचर्स के मुकाबले प्राइस वो काफ़ी कम है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वेल, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन लगता है, एक कम प्राइस में काफ़ी अच्छा फ़ोन। वैसे भी आप जानते ही हो, Xiaomi काफ़ी कम दामों में काफ़ी अच्छे फ़ोन लॉन्च करती है। तो 11500 में आपको 4GB रैम और 64GB रोम, ऐसा बहुत ही कम होता है दोस्तों, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। वैन मेरा तो यही कहना है कि ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको लेना चाहते हो या नहीं, और लेना चाहते हो तो कौन सा एडिशन, स्टैंडर्ड या हायर। और हाँ, इसमें जो आपको कलर मिलने वाले हैं, वो बाकी ही फ़ोन की तरह लगभग प्लैटिनम सिल्वर, रोज़ गोल्ड और शैम्पेन गोल्ड मिलेगा आपको, मिलती है कलर में काफ़ी अच्छी वैरायटी। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं तो रोज़ गोल्ड लेता, क्योंकि रोज़ गोल्ड वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता। और हाँ, सबसे खास बात दोस्तों, इसमें मिलेगा आपको USB Type-C
जो कि 4.0 पर होगा क्विक चार्ज, और 4.0 जो कि मेरे ख्याल पे फ़ोन को काफ़ी क्विक चार्ज करेगा, और इसके साथ ही आपको ब्लूटूथ का वर्जन मिलेगा 5.0। एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो उसमें सॉरी बट इसमें ओरियो तो नहीं है, लेकिन आपको इसमें मिलेगा नोगर 7.1.1 का। आपको कौन सा कलर लेना है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इसकी जो पिक्चर्स लीक हुई हैं वो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल वैसा ही फ़ोन होगा। भले ही इसमें कहा गया है कि Xiaomi Note 5 बिल्कुल ही Xiaomi Note 4 की तरह होगा, लेकिन हो सकता है इसकी जो पिक्चर्स हैं वो थोड़ी अलग हों, क्योंकि जैसा कि Xiaomi Note 4 के साथ हुआ था आपको पता ही होगा पिक्चर्स में कुछ और था, और उसमें मार्केट में जो प्रोडक्ट आया था वो कुछ और ही था। हो सकता है Xiaomi Note 5 में भी कुछ ऐसा ही हो। फिलहाल जब ये फ़ोन लॉन्च होगा इंडिया में तो पता चल ही जाएगा कि ऐसा नहीं दिखता कैसा है। दोस्तों अब तक आप समझ गए हो कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा फ़ोन लेने वाले हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा, इस फ़ोन के बारे में आपका कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। आपको अगले वीडियो में किस तरह का टॉपिक चाहिए ये ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये तो मैं जानता हूँ आप सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।